अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत टाइम से मैं रेसिपी नहीं डाल पा रही थी, कुछ घर में प्रॉब्लम थी इसलिए। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने का वड़ा। तो चलो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग बनाते हैं। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग, मैंने साबूदाना इस तरीके से छन्नी में डाल दी हूँ। 2 घंटा पहले मैंने इसको सोख करने के लिए रख दी थी। अब मैंने इसको छन्नी में डाल दी। कुछ एक्स्ट्रा इसमें पानी होगा तो वो निकल जाएगा। कुछ आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर ली हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू रहेंगे तो 2 ही लेना। मेरे पास ये मीडियम वाले थे तो मैंने 4 से 5 ले ली हूँ। और आलू कम ही डालना है, आलू ज़्यादा डालने से जो वड़ा है वो फूट जाता है। और फिर उसके बाद में हम लोग लेंगे कोथमीर। ये कुछ मैंने कोथमीर ले ली हूँ थोड़ी सी। और उसके बाद में मैं लूँगी 1 चम्मच ज़ीरा। और ये लहसुन लूँगी 10 से 12 कली। और 8 से 10 हरी मिर्ची लूँगी। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। और ये मैं लूँगी सेंग। ये सेंग मैंने भुने हुए लिए हैं, जो डायरेक्ट मिलते हैं भुने हुए, वो उसके मैंने छिलके निकाल लिए। तो सबसे पहला हम लोग इसको दरदरा पीस लेंगे, मिर्ची लहसुन और ज़ीरे को। और ये दरदरा पीसने के बाद में फिर इसको भी हम लोग सेंग को उसमें डाल के इसको भी हल्का सा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है। तो चलो मैं इसको पीसना स्टार्ट ब्लेंड करेंगे हम लोग। मैंने हरी मिर्ची लहसुन ज़ीरा और ये सेंग थोड़ा सा दरदरा पीस ली हूँ। अब मैं इसमें आलू में हम लोग ये सारा दरदरा पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और जो सारे आलू है इसको एक अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ से। अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से भी कर सकते हो, पर मैं इसको हाथ से कर रही हूँ। इसमें ज़रा सी भी ऐसे लम्स नहीं होना चाहिए। अगर गुटली गुटली रहेगी तो फिर वो वड़ा जो है हमारा फूटने लगेगा। तो इसको मैं अच्छे से एक बार मिला लूँगी इस तरह से। और हाथ से ही करना है, क्योंकि हाथ से करने से क्या होता है, हम लोगों को ऐसा पता चलता है कि आलू कोई अगर ऐसा अक्खा तो नहीं है इसमें। अब मैं इसमें ये साबूदाना मिक्स करूँगी। ये देखिए इस तरह से। साबूदाना कम कभी भी नहीं लेना, ज़्यादा ही लेना। और आलू कम लेना है, क्योंकि अगर साबूदाना कम रहेगा तो फिर फूट जाएगा वड़ा। तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालना, ठीक है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कोथमीर। ये जो मैंने यहाँ पे इसकी डंडी तोड़ के रखी थी, तो इस तरह से हम लोग सीज़र से बारीक बारीक कट कर लेंगे। सीज़र से काटने से ये क्या होता है, बारीक बारीक अच्छे से कटती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारा इसमें मिक्स कर ली हूँ, नमक वमक सब। अब इसकी हम लोग टिकिया बनाएंगे ये इस तरह से। आपको जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी, मोटी जैसी चाहिए आप बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से इसकी टिकिया बनाएंगे। ये सारा तो एक साथ में मैं नहीं बनाऊंगी, इसको आधा फ्रिज में रख दूंगी। अभी जितना खाना है मैं उतना ही बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से सारी ऐसे ही बना लेंगे। कढ़ाई, इसमें मैं डालूंगी तेल और अभी हम लोग फ्राई करेंगे। ये सारे मैंने इस तरह से रेडी कर लिए, जितने मुझे ज़रूरत थी। बाकी के मैं रख दूंगी फ्रिज में, कल भी बना सकते हैं शाम में, मतलब 1 से 2 दिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो अभी मैं ये कढ़ाई को गर्म होने देती हूँ, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ये देखिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो अब तेल गर्म होता है, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। तेल हो गया गर्म, अब मैं इसमें एक एक डालते जाएंगे वड़ा। ज़्यादा नहीं डालना है, 4-4 ही डालेंगे, एक साथ में सारा नहीं डालेंगे वरना ये फूट जाएगा। तो इसके लिए और बार बार चम्मच भी नहीं लगाना है। तो इसको हम लोग होने देते हैं, जैसे ही थोड़ा हल्का नीचे से ब्राउन होने लगेगा तो फिर इसको टर्न करेंगे। तो अब हम लोग एकदम हल्के हाथ से इसको टर्न कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे से पूरा गोल्डन हो चुका है। ये देखिए एकदम हल्के हाथ से करना है टर्न, वरना ये टूटने लगेगा। ये देखिए एकदम आराम से, और जो चिपक गया है उसको हल्के से छुड़ा लेंगे। थोड़ा तेल से दूर ही रहेंगे ऐसा टर्न करने के टाइम, वरना छींटे उड़ सकते हैं। अब इसको एक साइड से तो ये गोल्डन हो चुका है, दूसरे साइड से भी मुझे गोल्डन करना है। तो अब ये पूरी तरह से गोल्डन हो जाएंगे, तो फिर इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, गैस को धीमा कर देंगे, आँच को धीमी करके फिर ये निकाल लेंगे ये चारों। और इसी तरह हम सारे हैं
बड़े साबुदाने के उसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने चार फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब इसको मैं टेस्ट करवाती हूँ कैसा बना है मेरे बेटे। ये जिसकी फरमाइश थी उसको देते हैं सबसे पहला, ये ले। चटनी नहीं चाहिए? नहीं। खा के बता कैसा बना है। गरम, थोड़ा गर्म है, उसको ठंडा होने दे। सही है नमक? सब सही है। थैंक यू। ये देखिए, ये सेकेंड राउंड का भी रेडी होने आया है। एक तरफ से गोल्डन हो चुका है, हम लोग इसको टर्न कर लेंगे और सारे इसी तरह से फ्राई करेंगे। एकदम आराम से टर्न करना वरना तेल उड़ सकता है। ये देखिए, और जो चिपका है उसको हम लोग ऐसा छुड़ा लेंगे, चम्मच से तोड़ देंगे उसको बीच में से। इसी तरह से मैं सारा फ्राई कर लूँगी और आप लोग भी इसी तरह से फ्राई करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। देखिए कुछ इस तरह से बने हैं साबूदाने के वड़े, ये देखिए। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाना। तो ये मैं, ये देखिए, दही के साथ में खाएंगे हम लोग। अगर आप लोगों को चटनी के साथ पसंद है तो आप चटनी भी इसके साथ में खा सकते हो बना के। तो आज की ये रेसिपी थी मेरी। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना।